हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीजीटी मैथ्स। बेटा, 11th क्लास में हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 चल रही है। इसमें फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट तक हम कर चुके थे। अब भाई फोर्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। क्या है देखिए, वी हैव, हमें दिया हुआ है 5 - 2x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन और इक्वल टू एक्स बाई 6 - 5। 5 को 5/1 लिख देंगे आप यहाँ पे। अब 5 - 2x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन और इक्वल टू एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x - 30। अब 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। एलसीएम ऑफ 3 and 6 is 6, इसलिए दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 × 5 - 2x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 6 × x - 30/6। यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 - 4x लेस देन और इक्वल टू x - 30। अब x के टर्म जब आप एक तरफ करेंगे, -4x - x लेस देन इक्वल टू -30 - 10, तो आपके पास हो गया -5x लेस देन इक्वल टू -40। अब आप दोनों तरफ -5 से डिवाइड करोगे और -5 आपके पास है नेगेटिव नंबर, और जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन तो लेस देन हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 8। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इसका मतलब x बिलोंग करेगा 8 to infinity। आप इसको जब लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पर आपके पास सपोज कीजिए 8 है, तो 8 भी इंक्लूड करना है, और 8 से बड़े तो सारे नंबर ही हैं आपके पास। क्लियर हो गया? तो बेटा वो सारे रियल नंबर जो 8 या 8 से ग्रेटर हैं। इसके बाद चलते हैं हम इसके सिक्स्थ पार्ट में। सिक्स्थ पार्ट में क्या बोलता है? वी हैव 2x - 3 डिवाइडेड बाई 4 + 8, 8 को 8/1 लिख लीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 + 4x / 3। आप यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4, तो आपके पास हुआ 2x - 3 + 32 ग्रेटर देन और इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 3, ये हुआ 6 + 4x। अब 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। एलसीएम ऑफ 4 and 3 is 12, इसलिए आप दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2x + 29 डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 4x / 3। अब 12 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास हुआ 6x + 87। क्लियर है? ग्रेटर देन और इक्वल टू ये हो जाएगा 24 + 16x। अब 16x इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, 6x - 16x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 - 87। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा -10x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे बेटा -63। क्लियर है? अब -10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो x इज लेस देन और इक्वल टू 63/10, ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि -10 है ना, वो आपके पास नेगेटिव नंबर है, इसलिए ऐसा होगा। ये था बेटा आपके पास है फोर्थ क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। तो x इज लेस देन इक्वल टू 63/10 ऐसा आप लिख दीजिए। ये बोल देंगे x बिलोंग करेगा -∞ to 63/10। अब जैसे ये लाइन है 63/10 बेटा इंक्लूड है तो इधर बड़ा ब्रैकेट आएगा, ये लाइन है, यहाँ पर आपने 63/10 ले लिया यानी कि 6.3, तो ये नंबर भी इंक्लूड है और इससे छोटे भी सारे नंबर इस सॉल्यूशन में शामिल हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास बेटा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है।
फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बेटा ये बोलता है, वी हैव, हमें दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, माइनस वन बाई थ्री लेस देन और इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस वन एंड वन बाई थ्री लेस देन वन बाई सिक्स लेस देन वन बाई सिक्स। बेटे यहाँ पर इक्वल का सिंबल नहीं है और एक्स है वो एक रियल नंबर से बिलोंग करता है, यहाँ पर बेटा इक्वालिटी का सिंबल आपके पास नहीं आएगा, यहाँ पर केवल लेस देन वन बाई सिक्स है। क्लियर है, देखिएगा ध्यान से ये। अब क्या बोलता है इसके बेटा, मैं दो पार्ट कर लेता हूँ, दो पार्ट कैसे करेंगे, एक तो माइनस वन बाई थ्री लेस देन और इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस वन एंड वन बाई थ्री, और दूसरा बेटा एक्स बाई टू माइनस वन एंड वन बाई थ्री लेस देन वन बाई सिक्स। एक और तो फर्स्ट और सेकंड, एक बार सेकंड और थर्ड, यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो माइनस वन बाई थ्री लेस देन और इक्वल टू आपके पास एक्स बाई टू माइनस फोर बाई थ्री हो गया, यहाँ पर एक्स बाई टू माइनस फोर बाई थ्री लेस देन वन बाई सिक्स, इधर माइनस वन बाई थ्री एज इट इज लेस देन एलसीएम आ जाएगा सिक्स, ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस एट, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा सिक्स, क्या हुआ थ्री एक्स माइनस एट, क्लियर है, लेस देन वन बाई सिक्स। इधर दोनों तरफ आप सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वन बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई सिक्स लेस देन इक्वल टू थ्री एक्स माइनस एट बाई सिक्स मल्टीप्लाई बाई सिक्स, और यहाँ पर दोनों तरफ जब आप सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स माइनस एट बाई सिक्स मल्टीप्लाई बाई सिक्स लेस देन इक्वल टू वन बाई सिक्स मल्टीप्लाई बाई सिक्स, इधर भी सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी सिक्स से सिक्स कैंसिल हुआ, यहाँ भी सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा टू, ये हुआ माइनस टू लेस देन इक्वल टू थ्री एक्स माइनस एट, इधर आपके पास हो गया थ्री एक्स माइनस एट लेस देन वन। अब आप थ्री एक्स को इधर लेंगे, माइनस का हो जाएगा थ्री एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस एट प्लस टू हो गया, यानी कि माइनस थ्री एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस सिक्स। अब आप माइनस थ्री से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू हो जाएगा, माइनस थ्री से आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर थ्री एक्स लेस देन वन प्लस एट नाइन हो जाएगा, एक्स इज लेस देन थ्री हो जाएगा। अब एक्स टू या टू से तो बड़ा है और बेटा थ्री से छोटा है, तो लास्ट में आप बोलेंगे एक्स बिलोंग करेगा टू या टू से बड़ा लेकिन थ्री से छोटा। अब बेटा सॉल्यूशन को जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए ये लाइन है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर थ्री है, थ्री इंक्लूड नहीं है सॉल्यूशन में, टू इंक्लूड है, ठीक है, और वो सारे रियल नंबर जो बेटा टू या टू से बड़े हैं और थ्री से छोटे हैं वो बेटा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, अब चलते हैं हम इसके सिक्स्थ क्वेश्चन में। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। बेटा आपने सोल्व करना है और फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, देखिएगा सिक्स्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, वी हैव, एक एक में बेटा दो दो इनइक्वेशंस दे रखी है, इसमें तो हमने दो टुकड़े की थे, अब ऑलरेडी दो दे रखी है, एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड दूसरी है बेटा टू एक्स माइनस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ से जब आप सोल्व करोगे बेटा, बीच में लाइन लगा देना, इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस फोर, और इसका मतलब हुआ बेटा टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, इट मीन्स एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है। अब दोनों का कॉमन रिजल्ट आएगा, इन दोनों का कॉमन रिजल्ट है ये, यहाँ से भी आया है और यहाँ से भी आया बेटा, दोनों का इंटरसेक्शन है, ठीक है, क्योंकि जब दो इक्वेशंस को या दो इन इक्वेशंस को आप सोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन होता है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, यानी कि दोनों का कॉमन रिजल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब तो बेटा क्या हुआ कि x बिलोंग करता है माइनस फोर टू इन्फिनिटी, और इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि x बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी टू वन बाई टू,
अब दोनों का जब आप कॉमन रिजल्ट लेंगे तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा कि x बिलोंग करेगा माइनस फोर या उससे बड़ा और वन बाई टू या उससे छोटा। और अब बेटा इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लाइन है, यहाँ पर आपके पास है माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, इधर वन बाई टू है और ये माइनस फोर है, माइनस फोर भी इंक्लूड है, वन बाई टू भी इंक्लूड है और बीच के सारे नंबर भी इंक्लूड हैं बेटा। ये आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे, जो दोनों का कॉमन हो। ये तो था माइनस फोर से इन्फिनिटी और ये था वन बाई टू से, माइनस इन्फिनिटी से वन बाई टू, तो दोनों का कॉमन रिजल्ट तो ये होगा। तो ये बेटा आपने सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो सॉल्यूशन वो होता है जो दोनों का कॉमन हो, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। आप नाइन टेंथ में भी इक्वेशन सोल्व करते थे तो सॉल्यूशन उसको बोलते थे जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। क्लियर बेटा? अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। देखिएगा इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कहा गया है, देखिए वी है आपसे बेटा दिया गया है x प्लस फोर लेस देन और इक्वल टू जीरो एंड 2x माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। आप इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू माइनस फोर, इट मीन्स x बिलोंग करेगा माइनस फोर से छोटा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस फोर। क्लियर हो गया? इट मीन्स टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू, इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा वन बाई टू से इन्फिनिटी। अब बेटा दोनों का कॉमन अगर आप ढूंढोगे तो क्या कुछ कॉमन है, तो लास्ट में एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस फोर, इंटरसेक्शन वन बाई टू से इन्फिनिटी, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, ये तो नल सेट हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स नो सॉल्यूशन। इसका मतलब बेटा ऐसा एक्स की कोई वैल्यू नहीं है जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्लियर? तो ये नो सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, आप नंबर लाइन पर जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ अब चलते हैं सिक्स्थ पार्ट में। सिक्स्थ पार्ट में आपसे क्या दिया हुआ है, देखिएगा वी हैव 4 माइनस फाइव एक्स ग्रेटर देन माइनस इलेवन एंड 4x प्लस इलेवन लेस देन और इक्वल टू माइनस थर्टीन। 5 माइनस फोर एक्स ग्रेटर देन माइनस इलेवन, 4x प्लस इलेवन लेस देन इक्वल टू माइनस थर्टीन। यहाँ पर माइनस फाइव एक्स ग्रेटर देन माइनस इलेवन माइनस फोर, और इधर जब आप सोल्व करोगे तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस थर्टीन माइनस इलेवन, इधर जब आप सोल्व करेंगे तो माइनस फाइव एक्स ग्रेटर देन माइनस फिफ्टीन, और जब माइनस फाइव से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x इज लेस देन थ्री, इट मीन्स x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से थ्री, थ्री शामिल नहीं है ध्यान देना। इधर फोर एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर, फोर से जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो आपके पास हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू माइनस सिक्स, इट मीन्स x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस सिक्स। ठीक है, अब दोनों का कॉमन रिजल्ट आ जाएगा, x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से थ्री, इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से माइनस सिक्स। जब आप दोनों का कॉमन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस सिक्स। क्लियर है? ये कॉमन हो जाएगा। और जब आप लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर आपके पास थ्री है, यहाँ पर आपके पास माइनस सिक्स है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस सिक्स ये दोनों में आता है, और दूसरा जो सॉल्यूशन था ये माइनस इन्फिनिटी से थ्री था, तो ये तो केवल एक में आता, लेकिन ये तो दोनों में आता है, तो इसलिए जिसको आपने डार्क कर दिया वो आपका सॉल्यूशन है। क्लियर है? ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट आपसे दे रखा है 4x माइनस फाइव लेस देन 11 एंड माइनस थ्री एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन और इक्वल टू एट। ऐसा है,
जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4x लेस देन 11 प्लस 5, और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस 4। इसका मतलब आपके पास हो गया 4x लेस देन 16, और इट मीन्स आपके पास हो गया -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 12। आप यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ -3 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -4 या उससे छोटा। यहाँ पर x बिलोंग करेगा -∞ से 4 इंक्लूड नहीं है, और यहाँ पर x बिलोंग करेगा -∞ से -4 इंक्लूड है। अब लास्ट में x बिलोंग करेगा दोनों के इंटरसेक्शन में, -∞ से 4 इंटरसेक्शन कॉमन -∞ से -4। आप ध्यान दें ये लाइन है, तो जब दोनों का कॉमन करेंगे तो इट मीन्स x बिलोंग करेगा -∞ से -4। ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा। ये लाइन है देखिएगा, इस लाइन पर यहाँ पर है -4, यहाँ पर है +4। एक तो -∞ से 4, एक -∞ से -4, तो ये तो दोनों जगह कॉमन हो गया कि नहीं हो गया। तो सॉल्यूशन वही होता है जो दोनों जगह कॉमन होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो दोनों का इंटरसेक्शन हो, जो दोनों को सेटिस्फाई करता, क्लियर है। इस तरीके से था बेटा, तो ये था आपके पास 6th क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट। इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, जब ए एक ही इक्वेशन हो तो उसको सोल्व कीजिए, जब दो ही इक्वेशन होती हैं तो दोनों का जो कॉमन होता है ना वो सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास, क्लियर है। और जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो बेटा साइन चेंज होगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय ए नेगेटिव नंबर देन साइन विल बी चेंज्ड, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, क्लियर। इस तरीके से तो ये था आपके पास 6th क्वेश्चन जो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7th, देखिए 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन रियल नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन द सॉल्यूशन ऑफ नंबर लाइन। देखिएगा सबसे पहले वी हैव, फर्स्ट पार्ट में बोलता है -4 लेस देन 3x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 11। अब आप इसके दो पार्ट कर दीजिए, इट मीन्स -4 लेस देन 3x प्लस 2 एंड 3x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 11। यहाँ पर जब आप चलेंगे तो -4 -2 लेस देन 3x, ये हो जाएगा -6 लेस देन 3x, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा -2 लेस देन x। अब x को इधर लें और -2 को इधर लें तो साइन भी चेंज हो जाएगा, इट मीन्स x बिलोंग करेगा -2 से इन्फिनिटी, -2 से बड़ा है, -2 इंक्लूड नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, इंक्लूड है तो बड़ा ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3x लेस देन इक्वल टू 11 -2, इट मीन्स 3x लेस देन इक्वल टू 9, 3 से डिवाइड कर देंगे, x इज लेस देन इक्वल टू 3, इट मीन्स x बिलोंग करेगा -∞ से 3, 3 इंक्लूड है, और लास्ट में सॉल्यूशन वो होगा जो दोनों का इंटरसेक्शन है, -2 से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन -∞ से 3। देखिए ये लाइन है, इस लाइन पर इसका तो सॉल्यूशन था -2 से इन्फिनिटी, ये -2 है ये 3 है, इसमें था -2 से इन्फिनिटी, क्लियर है, -2 शामिल नहीं था, और इसका है -∞ से 3, -∞ से 3, 3 शामिल है, क्लियर हो गया। अब इन दोनों का जो कॉमन रिजल्ट है वो क्या है, -2 तो इंक्लूड नहीं है लेकिन 3 इंक्लूड है, और इनके बीच के ये दोनों का कॉमन रिजल्ट हो जाएगा, तो इट मीन्स x बिलोंग करेगा, कहाँ बिलोंग करेगा, -2 से 3, -2 इंक्लूड नहीं है भाई, तो -2 की तरफ ओपन और 3 की तरफ क्लोज इंटरवल आएगा, इधर ओपन इंटरवल ध्यान देना, क्लियर है। ये था
अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखिएगा क्या बोलता है इसका सेकंड पार्ट बेटा, माइनस एट लेस देन और इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री लेस देन सेवन। जब आप इसके दो टुकड़े करेंगे तो आपके पास होगा माइनस एट लेस देन इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री, और दूसरा आपके पास हो जाएगा फाइव एक्स माइनस थ्री लेस देन सेवन। अब आप इसके बाद जब चलेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस फाइव एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री प्लस एट, यहाँ हो जाएगा फाइव एक्स लेस देन सेवन प्लस थ्री। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो माइनस फाइव एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव, ये हो जाएगा फाइव एक्स लेस देन टेन। अब यहाँ पर माइनस फाइव से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस वन, और यहाँ पर आप फाइव से डिवाइड करेंगे तो एक्स इज लेस देन टू, कोई साइन चेंज नहीं होगा। जब एक्स माइनस वन या उससे बड़ा है तो इट मीन्स माइनस वन से इन्फिनिटी, और एक्स माइनस टू से छोटा है इट मीन्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से टू। अब लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन कर दें, एक्स बिलोंग करेगा माइनस वन से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से टू। देखिएगा ये लाइन है, इस लाइन पर ये माइनस वन है, यहाँ पर टू है, ये तो था माइनस वन से माइनस वन से इन्फिनिटी, माइनस वन से इन्फिनिटी। क्लियर है? माइनस वन भी इंक्लूड है, और दूसरा जो है वह है माइनस इन्फिनिटी से टू, माइनस इन्फिनिटी से टू, टू यहां पर इंक्लूड है नहीं है, ठीक है, और माइनस वन इंक्लूड है। अब इनका जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, माइनस वन से टू आएगा, इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा माइनस वन से टू, टू की तरफ ओपन, इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल आप बोलते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो माइनस वन तो इंक्लूड है लेकिन टू इंक्लूड नहीं है, और इसके बीच के हो जाएंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके लिए बेटा आप अपनी नोटबुक अपडेट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो मंडे को जूम ऐप पे पूछेगा, ओके, थैंक यू।